उदयपुर में आए हैं। हमारे साथ हमारे AICC स्क्रीनिंग कमेटी के दो और सदस्य माननीय गणेश गोंदियाल जी और हमारे अभिषेक दत्त जी, साथ ही में हमारे AICC के संपादक वीरेंद्र सिंह राठौर जी आए हुए हैं। हम उदयपुर में हमारा जो 3 जिला है, बांसवाड़ा, दुर्गापुर और प्रतापगढ़, वहाँ के ज्येष्ठ जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण हैं, विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, उन सभी से वर्तमान की स्थिति की राय जानने की आज हमारी प्रयत्न रहेगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले 2 दिन हम जयपुर में थे, आज हम स्वयं AICC की स्क्रीनिंग टीम उदयपुर आई है। यही हमारा मकसद है कि क्षेत्रों में जाके, प्रांतों में जाके, जिलों में जाके हम विचार विमर्श सभी से करें। आज प्रारंभिक जो स्तर पे हम लोगों का विचार विमर्श होगा हमारे वर्तमान और पूर्व विधायकों और सांसदों के साथ। क्या एजेंडा तय? बातचीत अब आज हो रही है कि वर्तमान में हमारा जो माहौल है, कैसा माहौल है आने वाले समय पे, और किन चीज़ों पे, किन मुद्दों पे हमको और महत्व देना है। मैं बस सामूहिक रूप से इतना ही कह सकता हूँ कि पहले 2 दिन भी हमने जयपुर में बहुत उत्साह और उल्लास हमने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में देखा। साथ ही साथ हम जब लोगों के बीच जब भी गए हैं तो सभी ने कहा है कि इतिहास बनने वाला है और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा होने सर, कोई वाली। फॉर्मूला तय किया है कि प्रत्याशी चयन को लेके, या इंटरेक्शन जो होगा आपका, जो तमाम जनप्रतिनिधि आपने अलग अलग संभागों से बुलाए उनके साथ, कोई ऐसा कोई फॉर्मूला सेट किया हो? देखिए, सारे जो चीज़ें हैं मैं मीडिया के सामने नहीं रख सकता, मैं जितना हो सकता है मैं आपके समक्ष में रख पा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो कार्यसूची है वो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन विस्तार रूप से हमारे लिए अनुचित है कि आप सर, हम स्क्रीनिंग कमेटी दावेदारों से भी मुलाकात करेगी क्या? बेशक, जैसे कि कहा, प्रारंभिक, मैंने इसलिए शब्द का प्रयोग किया कि प्रारंभिक जो वर्तमान की जो स्थिति है उसके लेकर हम वर्तमान के विधायक और साथ ही साथ पूर्व विधायक और 2018 में जो हमारे जो प्रतिनिधिगण जिनको हार से सामना करना पड़ा उनसे हम मिल रहे हैं, और उसके पश्चात हमारा जो प्रार्थी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनसे भी हमको मिलने की हमने कार्यक्रम रखा हुआ है। शॉर्ट धन्यवाद, लिस्ट का भी कोई धन्यवाद, प्रोग्राम? थैंक यू।